परे आफत काल पर किए चारे। धीरज धर्म मित्र और नारी, ये चार लोगों की पहचान कब होती है परीक्षित महाराज? जब संकट पड़ता है। धीरज, संकट पड़ने पर पता चलता है कि प्राणी कितना धैर्यवान है। धर्म, आपके पास अगर धन है, परिवार है, तो लोग खूब धर्म करते हैं, और अगर संकट है, दुख है, धन नहीं है, और तब प्राणी धर्म से डिग जाता है। धीरज धर्म मित्र, असली मित्र की तभी पहचान होती है जब संकट पड़ता है। परीक्षित महाराज, जब तक जेब में पैसा है तब तक लाखों सलाई, दोस्त, फ्रेंड, जाने क्या क्या है, मित्र है, लाखों लोग हैं, और जब जेब में पैसा ना हो, गरीबी आ जाए, तो न सलाई है कोई, न दोस्त है, न फ्रेंड है, केवल वही रहेगा कौन? मित्र। क्यों? मित्र की असली ही पहचान यही होती है कि जब संकट पड़ता है तो संकट पड़ने पर मित्र साथ देता है। सलाई दोस्त तो ये तो किनारा कर जाते हैं। सलाई दोस्त क्या है परीक्षित महाराज, ध्यान देना। आप लोगों ने माचिस देखी होगी, माचिस, माचिस के अंदर क्या होती है? सलाई, जिसे सलाई बोला जाता है, तीली है, क्या क्या बोलते हैं। तो जब तक माचिस के अंदर तीली है, और तब तक अगर बरसात हो तो पन्नी में दुका लेंगे, उसे कितनी व्यवस्था करके और जेब में रखेंगे, और जो सलाई खत्म, तीली जो खत्म, खुकल लो फेंक दो, तुम्हारी जेब में जो लो पैसा है, तो लो लाखों सलाई, फ्रेंड, दोस्त, सब संगे लगे, काहे के रुपया है, और जो रुपया खत्म हुआ, जैसे एक खुकल त्याग दिया जाता है, और ऐसे ही सलाई, उए मरो चाहे कछु होए, हमें का लेने देने, अब कछु है ही नहीं, भटके रहे तो सगे संबंधी भूल जाते संकट पड़ने पर। और कई ऐसी कथा आएंगी अभी आगे कि सगे संबंधी लोगों को भूल जाते। यहां पर चौथे नंबर पर आती है नारी। ये नारी की भी तभी पहचान होती है परीक्षित महाराज, कब? जब संकट पड़ता है। अच्छा, अरे तुम्हारे पास धन है तो लाखों लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। हमने कई ऐसे लोग देखे हैं कि जब तक पति के पास पैसा रहा, शरीर में ताकत रही, तब तक पत्नी साथ दे रही है, और जो रुपया खत्म, ताकत खत्म, छोड़ के दूसरे के संगे भाज गई। भगवान कसम, झूठी नहीं कह रहे परीक्षित महाराज, पांच पांच बच्चों की मां मैंने भक्ति हुई देखी है। कहे हमारा तो जुई काम है, रोज जागाओ में, बगाओ में, जागाओ में। लेकिन ध्यान रखना, असली ही नारी की वही पहचान होती है क्या, कि अपने पति पर भीषण संकट हो और संकट में जो साथ देती है, उसे बैकुंठ में भी सुंदर सी फूलों की सैया पर शयन करने के लिए मिलती है। और जो थोड़ा संकट आया और पति को ठुकरा दिया, तो समझ लो उनको इस लोक में तो नहीं, उस लोक में भी उनका ठिकाना नहीं लगता। और आगे वर्णन आएगा नरक के बारे में। जो पर स्त्री से गमन करते हैं या पर पुरुष से जो गमन करती हैं नारियां, इनको बहुत दुर्गति की जाती है। पीतल की, लोहे की मूर्ति बना करके और उन्हीं से चिपकाया जाता है।